Hello everyone, welcome back on my channel. So guys, there are four types of DBMS language: DDL, DML, DCL, and TCL. These are the four types of DBMS language. In this video, we will discuss about DDL, Data Definition Language. If you are watching my video first time, please subscribe to my channel. Now let's start the video. What is a DDL language? DDL, Data Definition Language is a full form of DDL. स्ट्रीट द फ्रेमवर्क ऑफ द database by specifying स्पेसिफाइंग द schema. स्कीमा definition डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है फ्रेमवर्क क्रिएट करती है डेटाबेस का जिसमें डेटाबेस स्कीमा को स्पेसिफाई किया जाता है विच इज द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाटे की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि कैसे डाटे को ऑर्गेनाइज किया जाता है इट्स कॉमन यूज इंक्लूड्स द क्रिएशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ टेबल्स फाइल्स इंडेक्सेस एंड कॉलम्स विद इन द डाटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कॉमन यूज है कि डाटे को हम क्रिएट कर सकते हैं अल्टर कर सकते हैं टेबल्स को फाइल्स को इंडेक्स को एंड कॉलम्स को दिस लैंग्वेज ऑल्सो अलाउज यूज टू रीनीम एंड ड्रॉप द एग्जिस्टिंग डाटाबेस और इट्स कम्पोनेट्स डी डी एल लैंग्वेज अलाउ करती है यूजर्स को कि हम डाटे को रीनेम कर सकते हैं ड्रॉप कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग डाटा प्रेजेंट है डाटा बेस में और जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी हम रीनेम कर सकते हैं ड्रॉप कर सकते हैं इन डी डी एल लैंग्वेज नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डी डी एल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं देर आर फोर डी डी एल स्टेटमेंट्स क्रिएट अल्टर ड्रॉप एंड रीनेम फर्स्ट वन क्रिएट की डेफिनेशन क्या है क्रिएट्स आर न्यू डेटाबेस और ऑब्जेक्ट क्रिएट में हम कोई भी न्यू डेटाबेस और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं सच एज अ टेबल इंडेक्स और कॉलम टेबल की इंडेक्स पी या फिर कॉलम की फॉर्म में नेक्स्ट इज अल्टर चेंजेज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस और ऑब्जेक्ट डेटाबेस के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं विद अल्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ड्रॉप डिलीट्स द डाटाबेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अगर हमने डाटाबेस में किसी भी डाटाबेस को डिलीट करना है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप स्टेटमेंट हम डिलीट कर सकते हैं लास्ट वन इज री नेम री नेम्स द डाटाबेस और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अगर किसी भी डेटाबेस का नेम चेंज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना है तो विद द हेल्प ऑफ री नेम स्टेटमेंट हम नेम चेंज कर सकते हैं सो गाइज आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो चल गई तो लाइक करें शेयर करें एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें